हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं रेखा अग्रवाल। आज की वीडियो में हम अंगूरी पेठा बनाएंगे। मिठाई बनाने के लिए एक अलग से कद्दू आता है और इसे सफ़ेद कद्दू बोलते हैं, और इसको हम काट लेंगे। ये काफ़ी बड़े बड़े भी आते हैं। इस कद्दू की पहचान मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम ये कद्दू लेंगे तो इसका बीज देख लेंगे। ये बीज देखिए पका हुआ है, तो पका हुआ कद्दू ही हम लेंगे। तो अच्छी तरह से इसका बीज पक चुका है और दिखने में ये छोटा है। और अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसके बीज हटा लेंगे, छिलका भी हटा लेंगे। और इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आजकल बाज़ार में काफ़ी तरह के पेठा की मिठाई चली हुई है, अंगूरी पेठा, फ्लेवर्ड पेठा, पान पेठा, तो हम अपनी पसंद का बना सकते हैं। गैस पेठा हमने सारा काट लिया है। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे। तो गाइस, ये आधा किलो हमारा पेठा है, इसके लिए हम एक गिलास पानी चढ़ा देंगे, 200 ग्राम चीनी डाल देंगे और इसको एक तार की चाशनी बना लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से फोर्क से गोद लेंगे, तो सारे पीसीज हम इसी तरह से गोद लेंगे। गाइस, ये चाशनी हमारी बन गई है, तो इसको हम एक साइड रख देंगे। एक कढ़ाई में हम 2 गिलास पानी चढ़ाएंगे और ये पेठा हम उबाल लेंगे, और इसको हम 8 से 10 मिनट तक उबाल लेंगे अच्छी तरह। चेक कर लेंगे एक बार, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगी जब अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं, अभी और पका लेंगे। इनका कलर चेंज हो गया है, अब हम इनको निकाल कर देखेंगे कि ये अच्छी तरह पक गई हैं कि नहीं। तो गाइस, ये पक चुकी हैं। अब गैस को बंद कर देंगे, इस चाशनी को गर्म कर देंगे। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। गाइस, इनको ठंडा करेंगे और इसका पानी निचोड़ कर हम चाशनी में इसको डालेंगे। एक तार की चाशनी बन गई हमारी। कद्दू भी हमारा ठंडा हो गया है और अब इसका इस तरह से पानी निचोड़ेंगे हम और इसमें डाल देंगे। देखिए, इस तरह से पानी निकाल लेंगे इसका, हाथों से थोड़ा थोड़ा दबाकर हल्का हल्का दबाएंगे। और 4 से 5 बूंद हम ये गुलाब के एसेंस की डाल देंगे, तो ये गुलाब की 4 से 5 बूंदें डाल देंगे। बाज़ार में जो पेठा मिलता है उसमें गुलाब या केवड़ा होता है, तो आप यही डाल दें। और अब इसको हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे और गैस को हम थोड़ा मीडियम रखेंगे। अच्छी तरह से पका लेते हैं और चाशनी को गाढ़ा कर लेंगे इसको। तो ये देखिए, चाशनी हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और इसको थोड़ा और पकाएंगे हम। इसको बिल्कुल गाढ़ा कर लेंगे। चाशनी अच्छी तरह से सूख गई है और गैस को बंद कर देंगे। एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसकी चाशनी को हम सुखा लेंगे पंखे के नीचे। तो गाइस, पेठा हमारा बन गया है। ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि बाज़ार में हम पेठा खरीदते हैं। घर का बना हुआ पेठा शुद्ध और हाइजीनिक होता है और ये कम खर्च पर भी बन जाता है। तो गाइज, इस तरह से आप भी घर पर ही पेठे की मिठाई बना कर देखिए।